अगर आप रोज एक ही सब्जी से बोर हो गए तो आज हम एक इंस्टेंट बन जाने वाली, घर के ही सामान से बन जाने वाली सब्जी बनाएंगे। आज हम बनाएंगे कॉटेज चीज कर्ड कोरमा। फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और लेटेस्ट रेसिपी देखने को लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमें चाहिए हरा धनिया जो करीब एक कप के आसपास है, 2 हरी मिर्च, 1/4 कप मूंगफली के दाने हैं जिसके छिलके निकाल लिए हैं, साथ में 5-6 कलियां लहसुन की, ये ऑप्शनल है, 1/2 टीस्पून नींबू का रस और 1/2 टीस्पून चीनी, 100 ग्राम दही और 100 ग्राम पनीर, साथ में नमक और तेल। अब हम मिक्सी जार लेंगे जिसमें मिर्च, साथ में डालेंगे हरा धनिया, मूंगफली के दाने, बेसन, चीनी, नमक और नींबू का रस डालकर इसकी एक पेस्ट बना लेंगे। ये पेस्ट हमारी रेडी है, जिसको क्रश करते समय मैंने उसमें आइस क्यूब डाला था। अभी से हम एक बाउल में निकाल लेंगे। दही को भी हम फेंट लेंगे। दही में ही हम घर की 1 टेबलस्पून मलाई डाल देंगे। फ्रेंड्स, से मैं पहले बताना भूल गई थी, इससे हमारी सब्जी क्रीमी बनेगी। सबसे पहले हम पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल को गर्म होने देंगे। इसमें हम पनीर के पीसेस डाल देंगे। इस पर नमक चिड़न देंगे। हमें पनीर को हल्का सा फ्राई कर लेना है। ये हमारा होममेड पनीर है, इसलिए अनइवन पीसेस है। अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहते हो तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। पनीर हमारा सोते हो चुका है, इसे हम अलग सी प्लेट में निकाल लेंगे। इसी ऑयल में अब हम जो हमने पेस्ट बनाई थी वो डाल देंगे। और इसे सोते कर लेंगे।
ये सब्जी तो आप अगर व्रत में यूज करना चाहते हो तो इसमें लहसुन मत डालना। करीब 2 मिनट तक हम इसे भून लेंगे। अब इसमें हम दही डाल देंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। बस अब इसमें हम ये पनीर डाल देंगे। पनीर को भी ग्रेवी में 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे। आप देख सकते हो हमारा ऑयल रिलीज हो रहा है। ये सब्जी को आप राइस, फुलका रोटी, पराठा, नान सभी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये सब्जी अब रेडी हो चुकी है। अब इसे हम सर्व करेंगे। तो ये हमारा कॉटेज चीज पनीर कोरमा विद कर्ड रेडी है, जो झटपट बन जाता है और उतना ही हेल्दी है।